मैं समझता हूँ पूरे भारत वर्ष में राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर की 10 राज्यसभा की सीटें हैं और सभी सीटों पर राज्यसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। ये राजस्थान प्रदेश ने पूरे देश में एक इतिहास बनाने का काम किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या जगह भी मिलेगी अब राजस्थान से टीम नहीं चाहिए? देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा विशेषाधिकार है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसको शामिल करें किसको शामिल नहीं करें, परंतु निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने पहले भी राजस्थान प्रदेश पर बहुत उपकार किया है, अभी फिर वो उपकार करेंगे ऐसी हमें आशा है। ऐसे सीएम साहब दिल्ली गए हैं, राजस्थान के कैबिनेट में भी फेरबदल की शुरुआत है। देखिए मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी अपने सरकारी काम से दिल्ली गई हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ सबसे मिलेंगी। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विस्तार है, मंत्रिमंडल में जो बदलाव है वो पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार मुख्यमंत्री जी का है, वही इसको तय करेंगे। बुला ले विराट साहब। अच्छा विराट साहब आगे आगे सर पूछो। जीत के बाद क्या आपके जो बीजेपी जिंदाबाद को जीत के बाद आपने कोई मुद्दे चिन्हित किए हैं क्या कि सदन में उठाने के लिए? देखो राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है टॉपोग्राफिकली, और यहाँ मात्र 1% बरसात होती है, जल का संकट सबसे ज्यादा संकट है, इसलिए ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि सिंचाई की पानी का क्षेत्र बढ़े और उसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, उसके लिए हम केंद्र सरकार से बात करेंगे कि राज्य को विशेष पैकेज में, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। एक आदिवासी इलाके में TSP एरिया बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के काम हो और किसान की राहत के जो भी काम है वो हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी कुछ काम भारत सरकार राज्य को विशेष रूप से दे। हमारा राज्य पिछड़ा हुआ रहा है, यहाँ अकाल बहुत पड़े, यहाँ लंबा पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, लंबी पूरी इंडो पाक सीमा है, अरावली श्रृंखलाएँ हैं, आदिवासी इलाका है, इसलिए ये टॉपोग्राफिकली इसकी स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ अगर विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं हो, जो हम पहले उठा चुके हैं, क्योंकि तो पंडोरा बॉक्स है, फिर देश में सब जगह मांग उठेगी, इसलिए इसको राज्य को विशेष पैकेज मिले, ये हम मिलके भी प्रधानमंत्री जी से विभिन्न मंत्री जी से मांग करेंगे, हमारे संगठन में भी कहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो संसद में भी उठाएंगे। आम जनता और आम कार्यकर्ता से वैसे जुड़े रहेंगे जैसे पहले? आम जनता आम कार्यकर्ता से वैसे जुड़े रहेंगे, मैं हूँ चाहे मदन जी, हम सदा कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, हम साधारण कार्यकर्ता हैं दोनों, तो साधारण कार्यकर्ता तक के से हम संपर्क बनाए रखेंगे, कतई नहीं कटेंगे, उनके बीच में जाएंगे और उनको संभालेंगे और सरकार की जो योजना है उनको जनता तक पहुंचाएंगे। विधानसभा का तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, कब तक देंगे? अब ये मुहूर्त पूछ लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जीवन भर जिन आदर्शों को लेकर मैं जिया हूं और आगे बढ़ा हूं और राजनीति में उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि पूरी मेरी मेहनत हो। और मेरी कोशिश होगी कि राजस्थान के जो मुद्दे लोग राज्यसभा में आएंगे उन पर प्रभावी ढंग से राजस्थान के हित में मैं पैरवी कर सकूं, और खासकर मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान में अधिकांश जो बेकारी हमको दिखती है इसमें इस प्रकार की योजनाएं तैयार करने की कोशिश करूंगा। मेरे मन में कल्पनाएं भी हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और किसानों की जो समस्याएं आती हैं
इन समस्याओं को किस प्रकार से केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम अधिक से अधिक और प्रभावी ढंग से लागू कर सके ताकि किसानों को राहत मिले। और इस मौके पर मैं मेरे पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन महामंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये अवसर दिया। मैं उनके अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरने की कोशिश करूंगा और 18 और 19 का जो चुनाव है इस चुनाव में मैं अपने पार्टी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा। ये मैं मेरे पार्टी के लोगों को विश्वास देना चाहता हूँ।